ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरं तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः वदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश हगोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभायन सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरमानंदे हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, अभी एक दिन बाद में श्री राधा रानी जन्म ग्रहण करेगी। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अजो पिसन अभ्यात्मा भूतानापि ईश्वर पिसन प्रकृति समधिष्ठाय संभवा में आत्ममाया। कृष्ण कहते हे अर्जुन मेरा जन्म नहीं है, मेरा जन्म नहीं है, जिसको कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम। मेरा जो जन्म और जो कर्म ये दिव्य और अप्राकृत ये अवलकी, लेकिन मैं अजन्मा होते हुए भी जन्म लेता हूँ। बोले क्यों जन्म लेते हैं? बोले अनुग्रह है भक्ता नाम, कहते भक्तों के ऊपर में अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए। अगर राधा रानी जन्म नहीं लेती, कृष्ण जन्म नहीं लेते, हम जो इतने सुंदर रूप में हैं, बड़े उत्साह पूर्वक बड़े धूमधाम से भगवान की जन्म उत्सव मनाते, फिर क्या करते हम लोग? इतने सुंदर सुंदर जो हम कथा सुनते हैं, फिर क्या कथा सुनते? प्रभु अगर जन्म नहीं लेते, अगर अजन्मा रह जाते, फिर तो उनकी कथा ही नहीं सुन सकते थे, उनको लीला ही नहीं सुन सकते थे। इसलिए कहते भक्तों के ऊपर में मैं अनुग्रह करने के लिए जन्म लेता हूँ। और हम लोग जो जन्म लेते हैं, क्यों जन्म लेते हैं? कहते पूर्व जन्म का कर्म का फल को भोगने के लिए महामाया को द्वारा जोर जबरदस्ती इच्छा नहीं रहने पर भी हमें जन्म लेना पड़ता है। बोले क्यों? बोले कर्म का फल भोगने के लिए, हाँ, अपना पाप को भोगने के लिए। लेकिन जो भगवान जो जन्म लेते हैं, कहते महामाया नहीं, बोले जोग माया मुपाश्रिता, कहते मैं अपना जोग माया को आश्रय करते हुए मैं जगत में जन्म लेता हूँ। इसलिए जन्म कर्म क्षमे दिव्यम, मेरा जो जन्म और जो कर्म है ये अप्राकृत और अवलौकिक है। भगवान कहते अगर मेरे जन्म कर्म को कोई समझ ले, जैसे कुछ कुछ लोग कहते हैं अरे हम भी जैसे जन्म लेते हैं कृष्ण भी ऐसे जन्म लिया, हम भी जैसे मर जाते हैं भगवान ऐसे मर जाते हैं, फिर हमारे भगवान में फर्क क्या है, फर्क क्या है? कुछ कुछ लोग
ऐसे कहते कृष्ण कहते नहीं, मेरे जो जन्म कर्म को जो सही सही जान लेते हैं, बोले त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैति, जब वो शरीर को त्याग देते हैं फिर संसार में दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता है, इसलिए मेरे अपराकृत अलौकिक मेरे लीला है। कहते ठीक उसी तरह कृष्ण जितने दयालु है उनसे भी ज़्यादा दयालु श्री राधा रानी हैं, इसलिए वृंदावन में जाओ, इसलिए कोई कृष्ण कृष्ण किसको बोलते हुए नहीं मिलेगा, सबके सब वहाँ क्या बोलते हैं, कहते सबके सब श्री राधा रानी का नाम, सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं, बोले क्यों, बोले करुणा कुरुमयी करुणा भरिते, राधा रानी करुणा की ये मूर्तिमान स्वरूप श्री राधा रानी, कृपा की वो मूर्तिमान श्री राधा रानी, इसलिए राधा रानी एक दिन बाद में राधा रानी जन्म लेगी, उसको पहले श्री उनकी श्री ललिता सखी जन्म ग्रहण करती हैं, हैं इसलिए ललिता सखी को बाद में फिर श्री राधा रानी जन्म करती, जैसे भगवान आने से पहले अपना परिकरों को भेजते हैं, जैसे कृष्ण जन्म लेने से पहले पहले अपना पिता माता भाई बंधु सबको भेज करके फिर जगत में जन्म ग्रहण करते हैं, उसी तरह इसी जगत में राधा रानी आने से पहले उनका जितने सखियां हैं वो सब सखियां पहले कोई कोई सखी उनके पहले जन्म ग्रहण करती हैं, उसको बाद में श्री राधा रानी फिर जगत में आविर्भूत होती हैं, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर जितना दिन रहेंगे केवल हम राधा रानी राधा रानी राधा रानी की महिमा हम लोग श्रवण करने के लिए कोशिश करेंगे। मैं जितनी कथा श्री गुरुदेव से सुना हूँ कोशिश करूँगा वो कथा को दो बार दोहराने के लिए, ठीक है, इसलिए कहते राधा रानी की जो महिमा अद्भुत महिमा है, कहते साधारण जीव की बात छोड़ दो, जिनकी प्रेम को महिमा स्वयं कृष्ण भी नहीं समझ पाते, हम तो जीव है साधारण व्यक्ति हैं, भगवान कृष्ण भी जिनका प्रेम को जगत में समझ नहीं पाते हैं, जिस बात को श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में उन्होंने भूरी भूरी उन्होंने प्रमाण दे करके दिखाया है, इसलिए कहते जगत में महाप्रभु रूप में कृष्ण जन्म लेने का उसके पीछे चार कारण हैं, कुछ साधारण कारण हैं और कुछ उसमें विशेष कारण हैं। साधारण कारण क्या है, बोले कलिजुग का जो युग धर्म हरिनाम संकीर्तन है, इसलिए कलिजुग धर्म है नाम संकीर्तन, एतद अर्थ अवतीर्ण श्री सचिनंदन, इसलिए कलिजुग का नाम धर्म को प्रचार करने के लिए महाप्रभु ने ये जगत में अवतीर्ण हुए, कहते ये इनको एक है साधारण कारण है। कहते उसका जो दूसरा कारण है जिसको कहते अनर्पित चरेंचिरात करुणयावतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसांग स्वभक्ति श्रियम हरि ही पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरत व सचिनंदन, जिसको श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण ब्रह्मा का एक दिन पहले जो दुर्लभ प्रेम को उन्होंने दिया था, जो ब्रज प्रेम को उन्होंने प्रदान किया था, अभी फिर जगत में आकर के ब्रह्मा का एक दिन को बाद में, ब्रह्मा का एक दिन मतलब 1000 चतुर्युग जब बीत जाती हैं, इसलिए चिरात चिरात मतलब बहुत दिन पहले जो प्रेम दिया था, जो प्रेम को कहते हैं निज गुप्त वेतम, हाँ चिरात दत्तम निज गुप्त वेतम, जो प्रेम को वो छुपा करके रखे थे, बोले छुपा करके क्यों रखे थे, कारण क्या, बोले कारण है भुक्ति मुक्ति देन प्रभु भक्ति राखे लुकाया, लोगों को भुक्ति मुक्ति तो आसानी से दे देते हैं लेकिन प्रेम को सहज में तो भगवान नहीं देते, बोले क्यों नहीं देते, कारण है वो प्रेम देने पर भगवान प्रेम में वशीभूत होना पड़ता है भगवान को, और भगवान सभी का वशीभूत होना नहीं चाहते हैं, हैं सभी का, इसलिए इतने वशीभूत हो जाती हैं, इतने भक्तों का झूठन खाने लग जाते हैं, उनको कंधे में बैठाते हैं, भगवान का कान मोल देती हैं, इसलिए भगवान सहज में भक्ति देना नहीं चाहते, और ये जो ब्रज भक्ति है ये ब्रज भक्ति कोई साधारण भक्ति नहीं,
यहाँ पर तो संपूर्ण रूप में ब्रजवासियों का प्रेम में वसीभूत होते हैं। इसलिए भगवान ये गुप्त धन को बड़े दिन से जो छुपा करके रखे थे, उस छुपा हुआ प्रेम को आकर के कलयुग में राधा रानी की जो दासी भाव को उन्होंने प्रदान करते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, प्राण सखी प्राण पृष्ठ सखी कुलादपि किल असंकित भुगिता। जिस लीला में, जिस निकुंज लीला में ललिता विशाखा आदि सखियाँ जिस लीला में प्रवेश करने के लिए संकोच बोध करते हैं, उनको शर्म लगती हैं, कहते महाप्रभु वो दुर्लभ प्रेम को कदासाय तम में रसस्त रसस्त नित्यम सखाए ते ममन नमस्त नमस्त नित्यम। सखी पद को तो दूर से हम प्रणाम करते हैं, लेकिन जो दासी पद को हम चाहते हैं, बोले क्यों, कारण क्या, बोले कारण है उसमें सेवा है, उसमें राधा कृष्ण की सेवा, पूर्ण रूप में राधा कृष्ण की सेवा को प्राप्त करते हैं, और हमारा जो धर्म है सेवा करना ही हमारा धर्म है। इसलिए कहते ये दूसरा कारण है महाप्रभु जगत में क्यों आए। कल उसका जो तीसरा कारण क्या है, कहते ये तो उनका साधारण कारण, जो विशेष कारण क्या है, विशेष कारण का गौण कारण है, कहते श्री अद्वैत आचार्य जब जगत में आए और जीवों को दुर्दशा को देखा, कैसे जीव भक्ति से विमुख होकर के कैसे संसार में दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, इसलिए अद्वैत आचार्य ने देखा कलयुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन, ये प्रेम को मैं तक दे सकता हूँ, हरिनाम जगत में प्रचार कर सकता हूँ, लेकिन जो ब्रज प्रेम है, हैं जो राधा रानी की जो दासी भाव, ये वस्तु मैं नहीं दे सकता हूँ, ये वस्तु तो मेरे प्रभु ही एकमात्र दे सकते हैं। इसलिए उनने सोचा भगवान को जगत में अवतरण कराने का सबसे सरल उपाय क्या है, अगर कोई हाथों में गंडुस में से गंगा पानी ले और उसमें तुलसी दल रख करके भगवान को अगर कोई अर्पण कर दे, भगवान उसको ऋणी से मुक्त होने के लिए भगवान अपना सर खुजलाने लग जाते, मतलब उसका ऋणी को हम कैसे मुक्त करेंगे। इसलिए उन्होंने गंगा जल और तुलसी लेकर के भगवान का आह्वान किया और भगवान का आसन को उन्होंने हिला दिया और जगत में कृष्ण स्वयं राधा जी की भाव अंग कांति को लेकर के आए। कहते जो गोप उनको आने का जगत में जो मुख्य कारण का जो मुख्य है, कहते ये जो मुख्य कारण है जिसके लिए जगत में आते हैं, इसी में से राधा रानी की विशेष महिमा को, इसी में राधा रानी की महिमा को वर्णन किया है, हैं। इसलिए आज हम सुनेंगे महाप्रभु जगत में क्यों आए, इसका क्या कारण है। कि जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में आए, उनके मन में जो कुछ इच्छा थी रसास्वादन करने के लिए, क्योंकि रसिक शेखर कृष्ण परम करो, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जगत में वो क्यों आए, बोले वो रसिक शेखर है, मतलब रसिक शेखर मतलब जितने सारे रसिकों में वो सर्वश्रेष्ठ रसिक है, उनका जैसे रसिक जगत में कोई नहीं, केवल उनका एक ही काम है केवल रसास्वादन करे, केवल रसास्वादन करे। जो दिखता है जगत में जितने राक्षसों को मारे, मार पीट लड़ाई झगड़ा, कहते भगवान ये सब काम नहीं करते, ये तो उनका सेवक है, सेवक है, सेवक लोग ये सब काम कर लेते हैं। लेकिन कृष्ण का काम क्या है, कहते ब्रज में रह करके ब्रजवासियों को साथ में उनका लीला करना, उनको साथ में रह करके रसास्वादन करना, उनको बस एक ही काम है केवल रसास्वादन करना, हाँ। इसलिए रसिक शेखर, और दूसरा कारण बोले परम करुण, उसको साथ साथ में कृष्ण बड़े दयालु हुए, बड़े दयालु हुए, कहते यही दुई हेतु तार लीला उद्गम, कहते ये दोनों कारणों को लेकर के जगत में भगवान आकर के लीला करते हैं। इसलिए कृष्ण द्वापर युग में आए, उन्होंने सारे रस को उन्होंने आस्वादन किया, सारे रस को उन्होंने आस्वादन किया। आस्वादन करते हुए कृष्ण जब ये जगत छोड़ करके चले गए, एक दिन गोलोक वृंदावन में कृष्ण निकुंज में बैठे हुए, और निकुंज मंदिर में बैठ करके कृष्ण अपना सर पर हाथ रख करके बड़ा गहरा सोच रहे, बोले क्या सोच रहे हैं, कहते मेरे मन में जो कुछ इच्छा थी सारी इच्छा को हमने
संपूर्ण रूप में हमने परिपूर्ण किया, सब इच्छा को पूरी की। लेकिन जो तीन चीज है ना, कहती है मेरे दिमाग से ऊपर चला गया तीन चीजें, कहते वो तीन चीज क्या है। आज हम लोग उसका पहला कारण सुनेंगे, जो तीन जो कारण है महाप्रभु जगत में आने का, आज उसका हम उसका पहला कारण सुनेंगे। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी अब श्री स्वरूप दामोदर इसी विषय में क्या कहते हैं। कहती है स्वरूप दामोदर कौन है, कहती है श्री ललिता सखी है, हैं ये श्री ललिता सखी है। इसलिए जो ललिता सखी कहता अष्ट सखियों में जो सर्वश्रेष्ठ है ये श्री ललिता सखी। इसलिए राधा जी की जो भाव को अपने आप ये समझती हैं, हैं राधा रानी की क्या इच्छा है, हाँ क्या करना चाहती हैं, इनके अंदर में क्या भाव है, इसलिए इनका नाम है ललिता। ललिता मतलब क्या है, कहते सुंदरता है। कहते राधा रानी कृष्ण सेवा के लिए उन्होंने अपना अपना एक एक भाव को उन्होंने एक एक सखी रूप में जगत में प्रकट किया। ये ललिता नहीं, कहती है ललिता राधा रानी की जो सुंदरता ही एक रूप धारण किया है श्री ललिता सखी। ये सर्वश्रेष्ठ सखी राधा रानी की सखियों में ये सर्वश्रेष्ठ सखी है, हैं। इसलिए इनके कृपा के बगैर कोई राधा कृष्ण का सेवा को कोई भी प्रवेश नहीं कर सकते, उनको सेवा को कोई प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते ऐ मत पूर्व कृष्ण रसेर निदान यद्यपि करिल रस निर्जास चर्वण तथापि नहिल तिनी वांछित पुराण तहा आस्वाद यदि करिल जतन। यहाँ पर कह रहे हैं भगवान यद्यपि सारे रस को उन्होंने आस्वादन किया तब भी उनके मन में तीन जो इच्छा हैं, कहते इनकी तीन इच्छा पूर्ण इनकी नहीं हुई। इसलिए कृष्ण अभी कोशिश कर रहे हैं कैसे मैं तीन इच्छाओं को कैसे मैं पूर्ण करूं। इसको सोच करके कहता हार प्रथम वांछा करी व्याख्यान कृष्ण कहे आमी है रसेर निदान। कृष्ण सोच रहे हैं इसका जो पहला कारण है वो कहते हैं अभी इसको हम व्याख्यान करते हैं। बोले क्या व्याख्या कर रहे हैं, अभी कृष्ण सोच रहे हैं मैं कौन हूँ। कहते रसेर निदान, रसेर निदान मतलब जगत में जितने जीवों को रस प्राप्त तो होता है वो रस कहाँ से आता है। कहते मेरे से ही वो सारे रस आता है। इसलिए जिसको श्री रूप गोस्वामी श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में कहते हैं कृष्ण कौन है, कहते अखिल रसामृत मूर्ति। कहते जितने सारे रस का जो मूर्तिमान स्वरूप कौन है, कहते ये कृष्ण ही सारे रस का ये मूर्तिमान स्वरूप श्री कृष्ण है, हैं। इसलिए उनको उपनिषद में कहता है रस बैस रसम झबायाम लब्धानंद भवती। कृष्ण कौन है, रस बैस मतलब कृष्ण संपूर्ण रूप में रसी रस है, वो पूरा ही रसी रस है। जैसे हम कहते हैं ना रसगुल्ला, रसगुल्ला मतलब क्या, जो गुल्ले को रस में डुबा दो क्या हो जाता है, वो हो जाता है रसगुल्ला हो जाता है। कहते कृष्ण क्या ऐसे ऐसे ही है, बोले नहीं ऐसे नहीं, कृष्ण तो स्वयं वो रस स्वरूप ही कृष्ण है। जिधर खाओ ना जैसे रसगुल्ला है, जिधर खाओ उधर मिठाई 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 है। कहते उसी तरह जो कृष्ण है वो पूरा मिठाई मिठाई ये कृष्ण है। इसलिए इसलिए श्री वल्लभाचार्य हैं, इसलिए उनको ऊपर पूरा एक अष्टक लिखते हैं कृष्ण कैसे मधुर है, हैं कृष्ण कैसे मधुर। वो कहते ना आधरंग मधुरंग बदनंग मधुरंग हासितंग मधुरम गमनंग मधुरम हृदयंग मधुरम चरितंग मधुरम मधुराधिपते राखिलंग मधुरम। इसलिए कृष्ण कहते वल्लभाचार्य कहते उनका सब मीठा है, बोलना भी मीठा, हंसना भी मीठा, चलना भी मीठा, हृदय में मीठा। कहते उनका सभी मिठाई 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 मीठा, पूरा कृष्ण मीठा दे करके पूरा बने हुए कृष्ण।
इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं आमी हई रस निदान, मतलब सारे रस मेरे से ही प्रकट होता है। लेकिन कहते कौन है कृष्ण, बोले पूर्णानंद। कृष्ण पूर्णानंद जिसको ब्रह्मा कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज उपसम जन्मित्र परमानंदं पूर्णानंद सनातन। ब्रह्मा जी कहते कृष्ण कौन है, कहते पूर्ण ब्रह्म सनातन कृष्ण है। ये पूर्ण ब्रह्म और सनातन कृष्ण है, इसलिए कहते पूर्णानंद। और कृष्ण कौन है, कहते चिन्मय भगवान है। भगवान पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, उनसे बड़ा जगत में कोई ज्ञानी नहीं। इसलिए उनका छह ऐश्वर्य में जो वर्णन किया है, समग्रसस्य ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य जसस्य श्रीय ज्ञान वैराग्य सैव शरणं भव इतिगना, कहते जिसको ऊपर अंदर में ये छह गुण परिपूर्ण रूप में हो, कहते वो श्री कृष्णचंद्र है। इसलिए कृष्ण सोच रहे मैं तो स्वयं चिन्मय हूँ, सारे ज्ञान स्वरूप। कृष्ण कौन है, बोले मैं पूर्ण तत्व हूँ, पूर्ण तत्व, उनसे बड़े कोई है ही नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रहम अनादिराधि गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण कहते मैं सारे कारणों का जो मूल कारण है कौन है, कहते मैं हूँ। इसलिए कहते मैं पूर्ण तत्व हूँ, लेकिन मैं पूर्ण तत्व हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं रस स्वरूप में पूर्ण हूँ, लेकिन राधार राधिकार प्रेम आमे कराए उन्माद। लेकिन ये राधा रानी के अंदर में पता नहीं ऐसे कौन सा प्रेम है, हाँ वो मेरे को उन्माद कर देती है, वो मेरे को पागल कर देती है। राधा रानी का प्रेम हाँ पागल कर देती हैं। कहते ना जानी राधार प्रेम आच्छे को तब, वो कह रहे हैं पता नहीं राधा रानी का प्रेम में कितने बल है, हाँ जो मेरे को भी वो उन्माद कर देती हैं। जेबल है अमार करे सर्वदा बिहोल, हैं इसलिए ये प्रेम को द्वारा मेरे को भी वो बिहोल कर देती है, मेरे को भी वो पागल बना देती हैं। बोले राधिका प्रेम गुरु आमी शिष्य नट सदा आमना नृत्य नाचाए उद्भट। कदि यहाँ कह रहे हैं राधा रानी का जो प्रेम है, कदि वो क्या, बोले गुरु है और मैं कौन हूँ, कहते मैं राधा रानी का प्रेम का मैं शिष्य हूँ, मैं उनका शिष्य हूँ हैं। और कहते नट, नट मतलब होता है जो नचाता है ना, जैसे नचाता है। कहते राधा रानी का प्रेम तो मेरे को नचा देती है। तो उन्होंने सुंदर एक उदाहरण देकर समझाए, बोले कस्मात बृंदे प्रिय सखी। एक समय श्री वृंदा देवी आई, वृंदा देवी आई तो उनको एक राधा रानी ने पूछा, बोले तुम कहाँ से आ रही हो, बोले मैं राधा कुंड से आ रही हूँ। बोले तुमने क्या देखा, कह रही हूँ मैंने ये देखा श्याम सुंदर कृष्ण वहाँ नृत्य कर रहे हैं। बोले गुरु कहा, कहते भैया उनका गुरु कोई था कि नहीं, क्योंकि बिना गुरु के तो कोई नाच सीख नहीं सकते हैं। भले जो गुरु है ना, कहते राधा कुंड का है, राधा कुंड का जितने पत्ता है, जितने लता हैं, जितने वहाँ वृक्ष है, वो क्या है, कहते राधा कुंड का लता पत्ता वृक्ष वो कोई साधारण नहीं, कहते वो सबके सब राधा रानी का स्वरूप है। राधा कुंड के जो लता पत्ता वो और कोई नहीं, कौन है, कहते राधा कुंड का लता पत्ता सब राधा रानी है, हाँ वो सबके सब राधा रानी के भाव में वो सबके सब विवर है। इसलिए कृष्ण सोच रहे थे वो जो लता पत्ता है ना वो श्री राधा रानी, और लता पत्ता को राधा रानी समझ करके, और राधा रानी उनका प्रेम का गुरु है, और उनको देख देख के नृत्य कर रहे थे। मतलब है राधा रानी कृष्ण का प्रेम का गुरु कौन है, कहते श्री राधा रानी, और राधा रानी प्रेम ही कृष्ण को ये नृत्य कराती हैं, सिखाती हैं, हैं। इसलिए मतलब राधा रानी मेरे प्रेम का गुरु, जगत गुरु कौन है, कहते ना कृष्णंग बंदे जगत गुरु, कृष्ण जगत का गुरु है। लेकिन कहते उनका गुरु कौन है, बोले उनका गुरु श्री राधा रानी, बोले श्रीमती राधा रानी की। हाँ इसलिए कहते निज प्रेमास्वाद मोर जे आनंद,
कृष्ण कह रहे हैं उनका प्रेम क्यों मेरे को नचाती है, कहते मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ, कि दुनिया में जितने जीवों के हृदय में जो आनंद है, कहते ना सचिदानंद रूपाय, भगवान आनंद स्वरूप है, कि जगत में जीव का अंदर में जितने आनंद है वो आता है कहाँ से, आनंद आनंद कहाँ से आता है, बोले कृष्ण से, वो कृष्ण पूर्णानंद है, इसलिए उनका आनंद से ये जगत आनंदित है। कृष्ण कहते भैया दुनिया को मैं आनंद देने वाला मैं हूँ, लेकिन मेरे को आनंद देने वाले कौन है, कहते श्री राधा रानी। अगर राधा रानी कभी मानी नहीं होकर बैठ जाए कृष्ण तो दुखी हो जाते, कृष्ण दुखी हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं हैं, कहते भैया मेरे को गिरिराज उठाने में जितने सख्त नहीं लगा, गिरिराज देखा है ना कितना बड़ी, कहते ये गिरिराज उठाने में मेरे को जितने शक्ति नहीं लगा, और जितने अघासुर बकासुर को मारने में जो शक्ति नहीं लगा, पुतना को मारने में जो नहीं शक्ति लगा, उससे ज़्यादा शक्ति लगता है जो राधा रानी मान कर लेती हैं, उनको मान तोड़ने में मेरे को सबसे ज़्यादा शक्ति लगता है उनके मान को तोड़ने के लिए, इतनी राधा रानी के मान की महिमा है। इसलिए कहते सारा दुनिया मेरे से आनंद लेकर के आनंदित तो होते हैं, लेकिन मेरे को आनंद कहाँ से मिलता है, राधा रानी से मेरे को आनंद श्री राधा रानी से मिलता है। इसलिए निज प्रेमास्वद मोर जे आनंद, कहते मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं अपना प्रेम में, हाँ कृष्ण को कहते ना आत्मा राम और आप्त काम, आप्ता आत्मा राम मतलब होता है जो अपना आत्मा में रमण करता है, आप्त काम मतलब होता है जो परिपूर्ण है, जो परिपूर्ण है। इसलिए उनको वेद कहता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कहते वो कृष्ण पूर्ण है, लेकिन उनको पूर्ण से जब पूर्ण चले जाता है तभी पूर्ण रहता है, उनसे जब पूर्ण चले जाए तभी पूर्ण रहता है, उनसे जब पूर्ण तभी वो पूर्ण पूर्ण ही रहते हैं। उदाहरण देते जैसे कि दिया जल रही है, दिया से एक और एक दिया जला दो वो पहला दिया का कम हो जाएगा नहीं, वहाँ से और एक दिया जला दो वो दिया क्या कम हो जाएगा नहीं, उनसे और हजार दिया जला दो लेकिन जो मूल दिया है ना उससे कुछ भी कम नहीं होगा। इसलिए कृष्ण कहते सारा दुनिया को आनंद देने वाला मैं हूँ, मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ, लेकिन राधा रानी को अंदर में जो आनंद है, राधा जी के अंदर में जो आनंद है, कितना आनंद है, बोले ताहिते कोटि गुण राधा प्रेमास्वाद, एक गुण नहीं दो गुण नहीं दस गुण नहीं, कहते मुझे जो आनंद मिलता है उससे करोड़ों गुण ज्यादा से राधा रानी को आनंद मिलता है। तो राधा रानी के अंदर में आनंद क्या है, ये क्या है। इसलिए बोले राधा प्रेम विभुजार बाढ़ी ते नाही ठाई तथापि से क्षण क्षण बाढ़े सदाए, ये अद्भुत बात यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर बोलते हैं, कहते जैसे कृष्ण को दर्शन करके राधा रानी का प्रेम बढ़ती है, अब राधा रानी को प्रेम देखकर कृष्ण का प्रेम भी बढ़ती है, और कृष्ण का प्रेम को देखकर फिर राधा रानी का प्रेम बढ़ती है, फिर राधा रानी का प्रेम को देखकर कृष्ण का प्रेम बढ़ती है, फिर कृष्ण प्रेम देखकर राधा रानी का प्रेम बढ़ती है, फिर उनको देखो प्रेम दोनों में ना लड़ाई होने शुरू हो जाती है, होड़ लग जाती है, होड़ करते 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 प्रेम तक का एक सीमा तक है ना, कोई चीज़ बढ़ते 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 हर तक लिमिटेड है ना, हर चीज़ का एक लिमिटेड है, करते 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 राधा रानी का प्रेम इतना दूर तक चली जाती है जहाँ पर कृष्ण फेल हो जाता है, उनका आनंद वहीं उससे ऊपर नहीं है, जिसे मादनाख्य महाभाव जिसको कहते हैं, हाँ बढ़ते 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 राधा रानी का प्रेम सर्वोच्च रूप में बढ़ जाती है, लेकिन नियम क्या है, बढ़ने के बाद और तो नहीं बढ़नी चाहिए ना, कहते नहीं, हाँ यहाँ पर शिक्षा देते हैं, कहते हैं तथापि से प्रेम क्षण क्षण बढ़ा ही सदा है, राधा रानी का जो प्रेम है ना प्रति क्षण क्षण में बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं बोले विभुरपि कलयन सदा विवृद्धम गुरुरपि गौरव चर्जायाम विहीनम मोहो रूपचितम वक्रमपि शुद्धम जयति मुरद्दी से राधिका अनुराग, कहते राधा रानी अनुराग कैसे, राधा रानी का प्रेम कैसे, यहाँ वर्णना करते हैं, कहते सीमा विशिष्ट होए वो सर्वदा बाढ़े, मतलब बढ़ते बढ़ते प्रेम सर्वोच्च ऊपर पहुंच गई, लेकिन उसको ऊपर में ना राधा रानी का प्रेम और भी बढ़ती रहती, बढ़ती रहती, मतलब उसका कोई सीमा नहीं। और दूसरा बोले गुरु होए हो गौरव आचरण विहीन, मतलब क्या,
राधारानी से तो श्रेष्ठ कोई है नहीं, वो जगत गुरु है। कृष्ण कृष्ण बंदे जगत गुरु, कृष्ण जगत का गुरु, किंतु कृष्ण का गुरु कौन है? राधा रानी, उनका प्रेम का गुरु श्री राधा रानी। लेकिन गुरु हो करके भी कहते गौरव आचरण विहीन, मतलब है इस जगत में देखना कोई गुरु हो गए, नहीं तो कोई बहुत श्रेष्ठ पद हो गया, कितना अभिमान रहता। अरे हम इतने बड़े, हम इतने बड़े, हमारे इतने महिमा हैं, इतने महिमा। लेकिन राधा रानी कृष्ण का प्रेम का गुरु होकर के भी, लेकिन उनके अंदर में कोई अभिमान नहीं। इसलिए राधा रानी कहती हैं मेरे अंदर में तो कृष्ण का प्रति प्रेम का एक बूंद तक भी नहीं, मेरे अंदर में है, मेरे अंदर में कृष्ण का प्रति प्रेम का एक बूंद तक भी नहीं। लेकिन मैं जो कभी कभी क्रंदन करती हूँ, भले मैं अपना सौभाग्य को है, सौभाग्य को देखकर मैं क्रंदन करती हूँ, लेकिन मेरे अंदर में कृष्ण का प्रति प्रेम का एक बूंद तक भी नहीं। मतलब बड़े होकर के भी किसको अभिमान होनी चाहिए ना, लेकिन राधा रानी के अंदर में अभिमान नहीं। इसलिए शिक्षाष्टक का जो अंतिम श्लोक क्या है, कहते आसिल सब पाद रतांग पिनष्टंग माम मदर्शन मर्मह तो करतुवा जथा तथा वा विदधात लंपट मत प्राण नास्त सवनाप। राधा रानी कहती हैं अगर मेरे को अपना चरण से हैं, अगर कृष्ण चरण से अगर हमको पीस दे, अपना चरण से पीस दे हैं, असल पादतम पिनष्ट मर्म, मेरे को जीवन में जितने दुख कष्ट दे वो दुख कष्ट दे। लेकिन कृष्ण कौन है? कहते कृष्ण मेरे प्राण प्यारी है, तथा मन दातस्तु नाय व सापर ही, मेरे प्राणनाथ ही, और कोई मेरे प्राणनाथ नहीं। भले ही जीवन में हमको जितने दुख कष्ट दे हैं, लेकिन हम लोगों को अगर थोड़ी सी कोई इधर उधर हो गया ना, अरे हम क्या कम हैं, हम इतने बड़े हैं, हम इतने बड़े, हमारा इज्जत इतना बड़े, और हमें इसे कर दिया, हमें इसे बोल दिया, और हम नहीं जाएंगे हैं, और हम नहीं जाएंगे, हमारे अंदर भी अभिमान है। लेकिन राधा रानी कहते हो गुरु होते हुए भी उनके अंदर भी गौरवहीन, कोई उनका अभिमान नहीं है। मैं तो श्याम सुंदर की दासी की दासी की दासी की श्री दासी हूँ, उनके अंदर में ये अभिमान है। बोले शुद्ध होयो, राधा रानी पूर्ण शुद्ध है, लेकिन उनका जो प्रेम ना हर समय टेढ़ी है, हर समय राधा रानी का प्रेम टेढ़ी मेढ़ी है, हाँ, इसलिए टेढ़ी मेढ़ी राधा रानी का प्रेम है, लेकिन शुद्ध है। लेकिन फिर राधा रानी क्यों मान करती हैं, प्रश्न है ना, फिर राधा रानी क्यों मान करती हैं? कहते जो मान है ना, कहते प्रेम को बढ़ाने वाले। देखना पति पत्नी बड़े प्रेम से रह रही, बड़े प्रेम से रह रही। अब देखना अगर किसी कारण से अगर घर में लड़ाई उथड़ा हो जाए, 5-10 दिन तक बात नहीं कर, बात नहीं करेंगे, अब देखना उसको बाद में फिर जो बात करते ना, एक नया आनंद आता है ना, एक नया आनंद आता है। इसलिए कहते जो मान, ये प्रेम को बढ़ाने वाले ये मान है। इसलिए राधा रानी कृष्ण के अंदर में जो जो भाव प्रकट होता है, वही भाव राधा रानी के अंदर में अपने आप प्रकट हो जाता है। अगर कृष्ण की इच्छा हो राधा रानी थोड़ा मान करे, थोड़ा मान करे, तो राधा रानी मान कर लेती है। क्योंकि राधा रानी क्या है, जैसे एक शीशा है ना, जैसे शीशा के सामने खड़े हो जाओ, दर्पण को सामने, मिरर के सामने, तुम जैसे हो ठीक मिरर के अंदर में परछाई भी ठीक वैसे पड़ेगा। कि ठीक उसी तरह कृष्ण के मन में जो जो इच्छा है ना, राधा रानी एक शुद्ध दर्पण है, प्योर दर्पण है। कृष्ण की जो जो इच्छा क्या होता है, राधा रानी के अंदर में अपने आप रिफ्लेक्शन होता है, अपने आप कृष्ण की मन की भावना को समझ कर राधा रानी सारे काम को सिर्फ राधा रानी करती हैं, सारे काम। इसलिए कहते वो शुद्ध होते हुए भी वो क्या वक्रगति, तभी वो टेढ़ी मेढ़ी हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी। इसलिए वक्रगति बोले जयति मृदीस राधिका अनुराग, ऐसे जो राधिका का जो राग है, कहते क्या हो उसकी जय जयकार हो, बोले श्री राधा रानी की जय। इसलिए यहाँ कहते आलम्बन दुई प्रकार, आश्रय और विश्रय। इसलिए कहते ना, एक आश्रय और एक विषय। आश्रय कौन है? बोले भक्त है। बोले विषय कौन है? बोले कृष्ण है। हाँ, कृष्ण विषय, भक्त उसका आश्रय है। लेकिन जो विषय मतलब जो कृष्ण है, वो जो आनंद का आस्वादन करते हैं, हाँ, लेकिन जो राधा रानी ना, कोटि गुण उसका आस्वादन करती है। जैसे तुमने रसोई बनाया बहुत बढ़िया, दिन भर सब्जी लाए, कहाँ से कितने कष्ट करके आपने रसोई बनाया। लेकिन कोई अगर श्रेष्ठ व्यक्ति अगर रसोई को खा करके अंगुल चाट चाट कर खाए,
अंगुली चाट चाट करके बोले वाह क्या तुमने रसोई बनाया, कितने बढ़िया तुमने खाना बनाया। अगर खुश हो जाए ना, देखना जो व्यक्ति खाना खा कर जो जितना खुश हुआ उससे ज़्यादा खुश किसको होता है, ये रसोई बनाने वाला, वाह इतने सुंदर रसोई बनाया। और भक्त लोग ने सब अंगुली चाट चाट कर खाए हैं और चाट चाट कर खाए। कहते उसी तरह कृष्ण को जो आनंद मिलता है, राधा रानी कृष्ण की सेवा करते हुए उनसे करोड़ों गुण ज़्यादा श्री राधा रानी को आनंद मिलता है। कहते ऐसे जो राधा रानी का जो प्रेम, हम सबके सब राधा रानी प्रेम को हम सबके सब प्रणाम करते हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की, इसलिए कृष्ण कहते हैं हृदय बाढ़ है प्रेम लोप धकधकी। कृष्ण कहते मेरे हृदय में ना वो राधा रानी की प्रेम का आस्वादन करने के लिए धकधक धकधक छाती ऐसे ऐसे करता है ना, छाती धक तो ये चीज़ कैसे मिले, ये चीज़ कैसे मिले, ये चीज़ हमें कैसे मिले, कब मिले, कैसे मिले, इतना आनंद मेरे से भी करोड़ गुना ज़्यादा आनंद, 10 गुना नहीं 20 गुना नहीं 100 गुना नहीं करोड़ गुना ज़्यादा आनंद। इसलिए कृष्ण सोचते हैं कब मैं ये रस का आस्वादन करूँ। इसलिए महाप्रभु ने कृष्ण ने किया क्या, कलयुग में राधा रानी के भाव और अंग कांति ये दोनों को लेकर उन्होंने कलयुग में श्री महाप्रभु का रूप में वो आते हैं। इसलिए तीन कारण में अभी जो कारण हमने सुना ये पहला कारण है, फिर हम कल फिर सुनेंगे इसका दूसरा कारण, फिर कल सुनेंगे, ठीक है। तुम आज अभी जाओ ना 10 बजे, आज नहीं कल जाओगे, फिर अगर तुम दोपहर में आओगे फिर और एक दो कारण सुन लेंगे, ठीक है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंशाकल प्रभस्य कृपा सिंधु भय वच पतनम पावने भो वैष्णवो नमो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नितई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नितई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बंद कर दस का। कितने समय हम कथा सुने, कितने समय होगा?